पूनम पांडे को लेकर मुनावर फारूकी ने ऐसी कौन सी बात कही थी कि जो कि सच हो गई। जी हाँ, क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि लाइफ में फैमिली वीक चल रहा है और एक एक करके सभी के फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं और उनको एक अलग लॉकअप में, एक अलग जेल में रखा गया है, जहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स एक साथ हैं अपने अपने कैदियों, अपने बच्चे से, बेटी से, बहन से, सबसे दोस्त से मिलने के बाद उसमें गए हैं और इमोशंस काफ़ी भर भर के देखने को मिला है और गिफ्ट्स मिले हैं कैदियों को, और गिफ्ट्स मिलने के बाद एडवाइस मिली है कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, क्या करना है, किससे दूर रहना है, जो भी एक जो बूस्टअप है वो सभी कैदियों को मिल चुका है। तो आपको बता दूं कि पूनम पांडे बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ही रो रही थी वो बिलख बिलख कर, जब आजमा की मम्मी आई, जब अंजलि की मम्मी आई तो बहुत रोने लगी पूनम पांडे कि उनकी तरफ से उनकी मम्मी नहीं आएगी, नाराज़ है, नहीं आएगी। तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी, मुनावर जो है, मुनावर वो उनको समझाते हुए, संभालते हुए नज़र आए, उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि नहीं, क्या पता तुम्हारी मम्मी आ जाए, क्या पता तुमको सरप्राइज़ मिल जाए, क्या पता वो तुमको माफ़ कर दे, क्या पता तुमको देखने के बाद तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे सब देखने के बाद तुम्हें माफ़ कर दे। तो ये तरीके से चेयरअप करते हैं पूनम पांडे को मुनावर फारूकी। तो ये जो चीज़ वो बोलते हैं और वो चीज़ सच हो जाती है। जी हाँ, पूनम पांडे की मम्मी आ जाती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ना कि पूनम की तरफ से, ना कि उनके घर वालों की, मतलब जो भी कैदी उनके तरफ से। लेकिन भाई, मेकर्स ने कर दिखाया और मिला ही दिया माँ बेटी को, और आ गई माँ अपनी बेटी से मिलने और गले लगाकर रोए दोनों। काफ़ी इमोशनल था ये मोमेंट। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहिए फीफा फूड्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।